फाइनली दोस्तों वर्ल्ड कप का सफर जो है अब समाप्त हो गया और फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है छठी बार जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लिया है। और फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा कर उसी के घर में दोस्तों उसी से जो है ट्रॉफी लेकर जो है चले गए हैं। और दोस्तों फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह छठी बार जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, जो कि आज तक किसी भी टीम ने ऐसा कारनामा नहीं किया है। सो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पांच ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जिसने वर्ल्ड कप 2023 में जो है काफी ज्यादा जो है रनों की बरसात की है, काफी दोस्तों चौके छक्के मारे हैं। उस पांच बल्लेबाजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2023 के दोस्तों पांच ऐसे बल्लेबाज बताऊंगा जिसने इस सीजन जो है रनों की बरसात की है और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिया है इस सीजन। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉप फाइव बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप 2023। सो फाइनली हम लोग पांच नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पांच नंबर पर दोस्तों नाम जो आता है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है दोस्तों, ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है डेरियल मिशेल, जिसका दोस्तों इस सीजन इसने डेब्यू किया वर्ल्ड कप में और इसे दोस्तों 10 मैचों में 9 मुकाबलों खेलकर दोस्तों 552 रन बनाया है। किसके कितना एवरेज से 69 के एवरेज से और लगभग 2 सेंचुरी भी चढ़ा है और इनका हाई स्कोर जो वो 134 है। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीके से डेरियल मिशेल ने इस सीजन को खेला है और ये इनका डेब्यू मुकाबला है, डेब्यू सीजन दोस्तों वर्ल्ड कप का। और डेब्यू ही में दोस्तों इसने धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम की तरफ से परफॉर्मेंस करके दिखाया, जिसका दोस्तों इसको जो है मैंने 5 नंबर पर रखा। फिर उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे ही नाम आता है न्यूजीलैंड के ही एक खतरनाक ऑलराउंडर बैट्समैन का, जिसका नाम है दोस्तों रची रविंद्र, जो कि बॉलिंग से भी कमाल करते हैं और बल्लेबाजी से भी दोस्तों पहले ही मुकाबले में दोस्तों इसने अपना शतक जड़ दिया, डेब्यू शतक जड़ दिया वर्ल्ड कप के इतिहास में। इसके साथ साथ दोस्तों इसने जो है 10 मुकाबलों में 10 इनिंग खेलकर 578 रन बनाया 64.22 के एवरेज से। सो वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज रची रविंद्र को माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि यह जो है आईपीएल के ऑक्शन में काफी ज्यादा महंगे बिक सकते हैं। सो दोस्तों रची रविंद्र बहुत अच्छे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दोस्तों इनके नाम में जो है जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया होगा कि इनके नाम में दोस्तों राहुल द्रविड़, सचिन और रविंद्र जडेजा, इन तीनों का नाम आता है, जिसका दोस्तों ये जो है भारत के जो है एक 100 मतलब भारत के खिलाड़ी हुए बट दोस्तों ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेला करते हैं। और इसने दोस्तों इस सीजन काफी ज्यादा बेहतरीन डेब्यू सीजन रहा है इनका और इसने सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस करके इस सीजन दिखाया। सो उम्मीद दोस्तों आगे भी इस तरह के परफॉर्मेंस करते हुए आए। सो दोस्तों ये तो बात होगी चौथे नंबर की, अब लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड नंबर पर किसको रखना चाहूंगा। थर्ड नंबर पर दोस्तों जिनका ये लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप है क्विंटन डी कॉक, जिसकी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों साउथ अफ्रीका का और उनका यह सीजन जो है सबसे जबरदस्त किया दोस्तों, इससे पहले वाले वर्ल्ड कप सीजनों में सबसे बेहतर सीजन जो माना जाएगा वर्ल्ड कप का वो इसी बार गया है। किसका दोस्तों क्विंटन डी कॉक का, उसमें दोस्तों 10 मैचों में 10 इनिंग खेलकर 594 रन बनाया इसने, वो भी 59.040 के एवरेज से और 4 शतक भी चढ़ा इसने दोस्तों, सुन सकते हैं 4 शतक इस सीजन में और सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दोस्तों ये खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड कप 2023 में। और इसके साथ साथ दोस्तों इसने जो है 174 का सबसे हाई स्कोर जो है वो इस सीजन लगाया है, तो इनका ये हाई स्कोर इस सीजन का रहा है दोस्तों क्विंटन डी कॉक, सोच सकते हैं इस तरीके से खतरनाक फॉर्म में दिखे दोस्तों क्विंटन डी कॉक, जिस कारण से दोस्तों मैंने जो है इसको 3 नंबर पर रखा था। क्विंटन डी कॉक ने इस सीजन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया, जैसे उम्मीद नहीं थी दोस्तों पर दोस्तों इसने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया। पर दोस्तों इसने जो है सेमीफाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने इसकी टीम हार जाती है और सेमीफाइनल से दोस्तों इनको घर जाना पड़ जाता है क्विंटन डी कॉक, और ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप भी है दोस्तों। सो वाकई में दोस्तों इसने जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं जो एक तरीके से क्या बोलते हैं गिफ्ट देने का होता है, गिफ्ट देकर चले गए अपने फैंस को दोस्तों इतनी जबरदस्त पारी खेल कर। सो फाइनली दोस्तों 2 नंबर पे नाम आता है हमारे ही देश के दोस्तों रोज सुपरहिट शर्मा का। रोज सुपरहिट शर्मा ने दोस्तों इस सीजन काफी ज्यादा धमाल मचाया और लगभग दोस्तों जब जब जरूरत पड़ी भारत को और एक ऐसा स्टार्ट दिया जो कि आज तक मतलब एक ऐसा स्टार्ट दिया जब भारत को जरूरत थी और हमेशा दोस्तों वो काम आते थे और एक जबरदस्त स्टार्ट देकर दिखाया दोस्तों रोहित शर्मा ने इस सीजन। लगभग 11 मैचों में 11 इनिंग खेलकर 597 रन बनाया और 54.27 के एवरेज से, और दोस्तों जब जब जरूरत पड़ी भारत को चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ
चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमेशा हर एक मुकाबले में दोस्तों टीम इंडिया को जो है लगा कि जैसे कि T20 की तरह खेलकर दिखाया रोहित शर्मा ने, और काफी ज्यादा मनोरंजन किया हम लोग का दोस्तों। एज ए कैप्टनशिप बेहतरीन की और बल्लेबाजी बेहतरीन करके दिखाया रोहित शर्मा ने इस सीजन, और लगभग एक शतक चढ़ा इसने इस सीजन। सो फाइनली दोस्तों एक नंबर का बल्लेबाज को अगर आपको जानना है तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो पहले नंबर पर नाम आता दोस्तों केएल कोहली, जो कि इस सीजन सबसे जबरदस्त इनका गया है। क्यों किया दोस्तों उसको डिस्कशन कर लेते। तो पहला दोस्तों की रीजन ये है कि इसने दोस्तों इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाया, दोस्तों 11 मैचों में 11 इनिंग खेलकर 765 रन बनाया, 95.62 लगभग की 95 के एवरेज, जो कि इस सीजन का सबसे बेस्ट एवरेज माना जा रहा है। इसके साथ दोस्तों ये जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए। इसके साथ दोस्तों इसने जो है किसी भी एडिशन में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में रन बनाने वाला खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली ही बन गया। इसके साथ दोस्तों इसने जो है 3 शतक भी जड़ा। इसके साथ दोस्तों इसने जो है सचिन द महान ग्रेट गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उनका रिकॉर्ड था दोस्तों की 49 शतक चढ़ने का, सो उसका रिकॉर्ड तोड़कर दोस्तों इसने जो है 50 शतक चढ़ दिया वनडे के इतिहास में, जो कि आज तक किसी भी खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा नहीं किया है वनडे के इतिहास में, जो कि विराट कोहली ने करके दिखा दिया। इसे क्यों किंग कोहली कहा जाता है, आज उसने साबित करके दिखा दिया दोस्तों। फाइनल दोस्तों टॉप 5 बल्लेबाज में पहले नंबर पर नाम जो आता है वर्ल्ड कप के इतिहास में वो किंग कोहली का ही आता, और किंग कोहली दोस्तों अपने आप को साबित करके दिखा दिया। सो फाइनल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।